नमस्ते भाई लोग, हम हैं आपके फैक्ट भाई और आज तो हम सोच लिए हैं कि खाना खाएंगे तो अपने देश का, चाहे फिर हमको 10 रुपए का समोसा के लिए 300 रुपया काहे नहीं देना पड़े और 40 रुपया की थाली के लिए 4000 क्यों ना कुर्बान करना पड़े। और भैया, यहाँ का प्लेन डोसा का रेट तो इतना है कि हम अपने देश में हफ्ता भर मसाला डोसा खा लूं। अब चिकन बिरयानी का भाव तो इतना है कि उतने में तो बजरंगी भाईजान मुन्नी को पूरा मार्केट का खाना खिला दिए थे। अब आप बोलोगे कि ऐसी कौन सी जगह है बे, तो भैये हम बैठे हैं अमेरिका में और यहाँ अपना देसी खाना का भाव आसमान छू नहीं रहा बल्कि आसमान में घुस गवा है। और तो और, यहाँ से बिना टिप दिए हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। लेकिन इतना महंगाई और जोर जबरदस्ती कहे भाई, ये सब पता चलेगा आपको ई वीडियो में। जी का टाइटल बा है कॉस्ट ऑफ इंडियन फूड्स इन यूएसए रेस्टोरेंट्स ब्रेकफास्ट। यूएस की ये ताजी ताजी सुबह आप सबको मुबारक हो यार। सुबह फ्रेश होने के बाद जो पहली भूख होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। सो चलो ऑर्डर करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। समोसा, प्याज पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, पनीर पकौड़ा, इडली मंचूरियन। अरे भाई रुक जा जरा, मेन्यू में रेट तो देखने दे। समोसा 400 रुपए, प्याज पकौड़ा 400, गोभी पकौड़ा 800, पनीर पकौड़ा 900। ओ भैया सुनो जरा, लगता है तुम हमरे इंट्रो को ज्यादा ही सीरियस ले लिए, हम तो अंदाजा लगाए थे। एक काम करो, एक गिलास पानी मिलेगा का? चलो कोई बात नहीं, लंच और ब्रेकफास्ट एक बार में ही कर लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये 10 रुपए वाला समोसा और 40 रुपए पाव वाला प्याज पकौड़ा 400 और 80 रुपए पाव वाला पनीर पकौड़ा 900 का क्यों? इस बात का जवाब मुझे मिला यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ से। उन्होंने बताया कि भैया ई लोग के देश में समोसा और अपना देसी पकौड़ा सब में डालने के लिए गरम मसाला और खड़ा मसाला पैदा ही नहीं होता है। ये सब ये लोग अपना देश से ही मंगवाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंपोर्ट करने का टैक्स, जीएसटी और भी बहुत सारा टैक्स सब कटता है। ऊपर से ये सब बनाने के लिए बहुत ही समय लगता है। पहले मैदा सानो, फिर आलू उबाल के छीलो, फिर उका मसाला बनाओ, मैदा बेलो, फिर काटो, फिर मसाला भर के चिपकाओ, तब जाके उसे 15 से 20 मिनट तेल में पकाओ। ऊपर से ये पकौड़े सब में तेल भी बहुत लगता है, तो पड़ा ना महंगा। ऊपर से हम लोग के देश में तो साइकिल पे या घर के सामने ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सब सुनकर तो भाई मेरा नाश्ता का मूड खत्म हो चुका है और बात करते करते लंच टाइम भी हो गया है। तो चलो कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि पेट तो नहीं मानने वाला ना लंच। तो भैया लोग, हम पहुंच गए एक बड़ा ही सुंदर इंडियन खाना के होटल में। अब यहाँ का मेनू में खाना का रेट देखकर तो हमारा माथा चकरा रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं तो सच में मर जाएंगे। ये लो, ये भी आ गए। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? हाँ भैया, एक ठो बटर चिकन, एक ठो पालक पनीर, दो ठो नान, एक प्लेट फ्राइड राइस और एक ठो रसमलाई और एक गिलास छाछ ले आइए। ये लीजिए, 5 मिनट भी नहीं लगा, इतनी जल्दी खाना आ भी गया। चलिए अब आपको चख के बताते हैं। नान थोड़ा मोटा है और इसमें बटर भी नहीं है, लेकिन बटर चिकन बहुत मस्त है, पालक पनीर भी अच्छा है, फ्राइड राइस भी ठीक ही है, रसमलाई अपने यहाँ के हिसाब से बहुत छोटा है लेकिन स्वाद अच्छा है, पर ये छाछ तो ऐसी लग रही जैसे दही का बर्तन धो के डाल दिया है। मतलब कुल मिला के खाना ठीक ही है और पेट भी अच्छे से भर गया है, पर इंडिया वाली बात नहीं है। लेकिन भाई अब बारी है बिल देने की। अब वो देखो, अभी हमारा खाना खत्म हुआ नहीं कि लगता है दूर से ही हमारा खाली थाली देख लिया है, यहीं आ रहा है। एनीथिंग एल्स? नहीं भाई, अभी पहले इतना खाना का बिल भर ले हम, उसके बाद और देखेंगे। तो भैया आप जरा बिल भी सुन लो। पालक पनीर $10.99 यानी $804.36, बटर चिकन $13.99 मतलब $1,023.88, दो नान $3.99 यानी $292.03, फ्राइड राइस $10 यानी $732.45, रसमलाई $6 यानी $437.85, जितने में पूरा डब्बा आ जाता है, और एक गिलास पानी वाला छाछ का प्राइस $2 यानी $140.03। इतना 100-200 रुपया मिला के हमारे यहाँ पूरा महीना का दूध का खर्चा निकल जाएगा, और हमारा यहाँ का लंच का बिल हुआ $46.96 यानी कुल मिला के $3,436.65 खाली खाना का। अभी टैक्स बाकी है भाई, जो कि यहाँ 4.25% है यानी $2.35 मतलब लगभग $173 मतलब पूरा $3,610 के आसपास का बिल बना है। चलो भैया इतना तो हम लेके आए ही हैं। बेटर, ये लो बिल लेके जाओ। ओके सर। सुनो जरा,
ये $1 तुम्हारा टिप। What is this, sir? ये अजीब सा मुंह काहे बना रहे भैया, अब पूरा 73.5 रुपए दिए हैं। हमारे यहाँ का छोटू तो 10 रुपया में ही खुश हो जाता है। Sir, you have to pay here minimum 15% of your bill as a tip. अरे क्या जबरदस्ती है भाई, ऐसे तो तुम पूरा 550 रुपए टिप में ही कमा लोगे यार। सर देखिए, अगर आप ये टिप नहीं देना चाहते तो आपको रीजन बताना होगा। और दूसरी बात, यहाँ आप जो भी टिप मुझे देंगे उतना अमाउंट वो लोग मेरी सैलरी में से काट लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये टिप मुझे नहीं बल्कि रेस्टोरेंट को मिल रही है। अरे भाई बड़ी जबरदस्ती है ये गोरों के देश में तो। ठीक है भाई, ये पकड़ो 4,151.45 रुपीज, मतलब 56.71 डॉलर्स। उफ बाप रे बाप, बड़ा महंगा है यहाँ भाई, यहाँ का खाना। लेकिन बेटर भाई एक बात तो बताओ कि ऐसा क्या है ये इंडियन खाना में जो इतना महंगा चार्ज करते हो आप लोग? भैया मैं भी इंडिया से ही हूँ, और जब मैंने यहाँ इंडियन खाने का रेट सुना तो मेरा भी वही हाल था जैसा आपका है। पर इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग सब्जियों से ज्यादा गेहूं, धान और ग्रेन्स की खेती करते हैं, क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर कर पाना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। एक गोदाम में डालो और थोड़ी बहुत कीटनाशक गोलियां डाल दो, जबकि सब्जियों को कोल्ड स्टोर में ताजा रखने के लिए बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और वो भी कुछ ही टाइम तक रख सकते हैं, उसके बाद सब्जियां खराब होने लगती हैं। और रही बात मांस और मसाले की, तो अब आप अपनी रस मलाई ले लो, इसमें जो केसर होता है उसका प्राइस 1,000 से 5,000 रुपए सिर्फ 1 ग्राम का होता है। प्लस आपने जो बटर चिकन लिया उसमें, और इंडिया की जो भी वेज एंड नॉन वेज करी बनती है उसमें 20-25 तरह के आइटम्स पड़ते हैं, और वो सारे मसाले यहाँ इंडिया से आते हैं। बाकी इनको मंगाने में ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा इन सारी डिशेस को बनाने के लिए जितना टाइम जाता है उतने में हजारों पिज्जा बर्गर चाइनीज और थाई फूड्स बन जाएंगे और सर्व भी हो जाएंगे। और सर जी ये तो हो गई इंग्रेडिएंट्स और लेबर की बात, लेकिन इसके अलावा अपने यहाँ कैसे अपने घर के बाहर वाले रूम को या अपनी साइकिल या कार को भी चलता फिरता ढाबा बना लेते हैं ना, और बिना किसी रेंट के आप अपना धंधा कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको एक अलग से जगह लेने पड़ती है जिसके किराए के साथ साथ आपको टैक्स भी भरना होता है। उसके अलावा वेटर, शेफ, साफ सफाई वाले, लाइट बिल, पानी बिल और मेंटेनेंस बिल। अब आप ही सोचो कितनी जेब कट रही है यहाँ के रेस्टोरेंट में आपकी। सो तो है। ठीक है भैया, मान लिए तुम्हारी बात, ई लो पैसे, चलते हैं हम। इस वेटर की बात सुनकर तो हमारा माथा ही घूम गया। अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम थोड़ा घूम के रूम पर आए और सो गए, और जब आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे और हमारे पेट में 12, यानी फिर से कुछ खाने का मन किया। तो ये जानते हुए भी कि खाना महंगा है, हमने एक कॉफी और एक मैक डी का बर्गर मंगवाया और अपनी भूख मिटाई। डिनर। तो गाइस अब घूम घूम के रात हो चुकी है, तो मैंने डिनर में कुछ साउथ इंडियन ट्राई करने के हिसाब से ऑर्डर कर दिया, ताकि सांभर और चटनी तो कम से कम फ्री में मिलेगी। सो एक मैसूर मसाला डोसा, एक प्लेन डोसा, एक गाजर का हलवा और एक चिकन बिरयानी मंगवा ली है। अब वैसे तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी मंगा लिया है, नहीं तो कहीं रसमलाई की तरह रहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे हुए तो बेटा रात को भूखा सोना पड़ेगा। लगता है आ गया खाना। खुशबू तो मस्त आ रही है, अब जरा खाने का मुआयना कर लिया जाए। उत्तरी ये क्या भाई, यहाँ डोसे का साइज तो अपने यहाँ के डोसे का बच्चा है, मतलब जो अपने यहाँ रोटी होती है ना उससे एकदम थोड़ा सा बड़ा। देखा जिस बात का डर था वही हुआ। खैर कोई नहीं। और भाई ये सांभर एकदम पानी, लगता है पाव किलो सब्जी में 5 लीटर सांभर बना डाला है। बाकी नारियल चटनी मस्त है, गाजर का हलवा भी मस्त है, और सबसे मस्त खुशबू तो भाई चिकन बिरयानी की आ रही है। और भाई अच्छा हुआ जो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया, वरना आज तो सच में भूखा ही सोना पड़ता। चलो पहले इसका बिल तुमको बता दूं, फिर खाने बैठता हूं। अपना मैसूर डोसा है लगभग 700 रुपए का, प्लेन डोसा 600, चिकन बिरयानी 1100 रुपए, गाजर का हलवा 450 रुपए के आसपास, यानी टोटल सिर्फ खाने का खर्चा हुआ 2,850 रुपए। अब इसका 5% टैक्स छोड़ो 142.5 रुपीज, यानी कुल मिला के 2,992.50 रुपए, मतलब 3,000 के आसपास मान के चलो। यार मुझे लगता है कि यहाँ इंडियन फूड की पॉपुलरिटी भी काफी कम है, क्योंकि मैंने यहाँ जो भी इंडियन फूड रेस्टोरेंट देखे वहाँ बाकी के रेस्टोरेंट जैसे चाइनीज, थाई फूड्स के मुकाबले बहुत कम भीड़ थी। और कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि इंडियन फूड्स यहाँ ज्यादा महंगे हैं। अब भैया जरा सोचिए, यहाँ तो हमारा खाने में ही 8-10 हजार का खर्चा हो गया, जितने में यहाँ अपने यहाँ तो पूरा एक ठो परिवार का पूरा एक महीने का राशन का खर्चा निकल जाएगा। अब वो बात अलग है कि वहाँ का $1 अपने यहाँ के 72-73 रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे देसी आदमी का यहाँ टिक पाना तो एकदम अनपॉसिबल है। एक तो महंगा, ऊपर से स्वाद नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ हर चीज का किराया है। आपको यहाँ कौनो सब्जी वाला या किसान सब्जी डलिया में डाल के गली गली घूम के नहीं बेच सकते, क्योंकि वहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। काहे कि वहाँ के लोगों का मानना है
कि इससे वहाँ रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब होता है। अब ये सब देखकर तो हमारा माथा पृथ्वी के जैसा गोल गोल घूमने लगा। तो हम अपना देश वापस लौट आए और आते ही हमारी अम्मा ने हमको सब्जी रोटी और एक गिलास भर के दूध दिया। तब जाके हमारा पेट तबीयत से भरा और हम टकार के सोए। लेकिन भैया आप लोग बताओ, क्या आप लोग कभी यूएसए जाके अपने देश का खाना खाए हो? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और भी ऐसा वीडियो देखने के वास्ते सब्सक्राइब करो। और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर जाओ, उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।